आज का प्लान जाकर सक्सेसफुल हुआ है। ये अपना आ गया जामा मस्जिद। उम्मीद उम्मीद लोग भी होते तो बहुत ही मजा आता है। ये है अपने यहाँ का ओल्ड दिल्ली का शरबते मोहब्बत। कल दवाई जो खाया उसके बाद में आज जाके मुझे एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। अभी चाय बना रहा था, चाय और ब्रेड अंडा खा लूंगा। इट्स अराउंड 11:30। आज थोड़ा लेट उठा, संडे है आज तो चलता है। एंड बाय द वे आज सोच रहा हूँ आज जाके सेकेंड डोज वैक्सीन का ले लूँ। मेरे भाई अंसार ने लिया था यहाँ पे, भरतनगर नाम का जगह है जहाँ से हम लोग उस दिन निकले थे कनॉट प्लेस के लिए। तो वहाँ पे जो है मिलता है फ्री वाला वैक्सीन, वही मैं सोच रहा आज उसको लेके जाऊँगा। या तो लंच करके जाऊँगा या तो अभी नाश्ता वास्ता करके लास्ट वाली ब्लॉग को एडिट करके उसके बाद उसके साथ निकल जाऊँगा। हेलो भाई भी आ गया। अब जो हम लोग निकल रहे हैं वो वैक्सीन का जो मेरा डोज लेना है सेकेंड डोज, वो फुल मिल जाए। अगर नहीं मिला तो फिर इसी को दौड़ाएंगे वापस हम। नहीं मिला क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर भीड़ आज संडे है ऊपर से। ये भाई नहीं, लेकिन ये अभी लंच टाइम है, लंच टाइम में शायद ही होगा। चल एक बार चलते हैं जाके देख लेते हैं इंशाल्लाह जब मिल जाए, और नहीं भी मिलेगा तो अभी एक महीना टाइम है, आराम से कभी ना कभी तो मिल जाएगा। यहाँ पे अनपेड वाला वैक्सीन आराम से मिल जाता है। धूप में निकलने का मजा ही कुछ और है भाई ठंडी के टाइम में। पार्क के बीच में आज सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, संडे बना रहे हैं इसको। आराम से वहाँ से सीधा हम लोग कट मार के सीधा पार्क के बीच में से यहाँ से एग्जिट मार रहे हैं, वरना वहाँ से घूम के निकलना पड़ता। यहाँ से अभी रिक्शा लेंगे, रिक्शा लेके जाएंगे भरतनगर। यही है वो गवर्नमेंट स्कूल केजरीवाल के थ्रू बनाया गया है। भाई कह रहा था बहुत ही बढ़िया स्कूल है। वो गया अंदर में जाके पूछने के लिए कि वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है या नहीं। होपफुली हो रहा हो, वरना यहाँ से फिर वापस जाना पड़ेगा। बंदर भी देखो घूम रहे हैं यहाँ पे। वैक्सीन इधर ही लग रहे हैं। नहीं मिला यार वैक्सीन भाई, वापस जाओगे टोटल। साला बोले थे पता है हमको, कुछ गड़बड़ लग रहा था हमको, हो ही गया गड़बड़। अपने हिसाब से ने तो बहुत सारा कुछ किया, ठीक है। यहाँ विभाग है, नसीब में नहीं होता वो, कहीं पे तो नहीं मिल रहा। कल ही बुक कर लेते, वहाँ पे मिल रहा था जायद गर्ल्स कॉलेज में, रमेश के रूम के सामने में 6 नंबर में। कोई ना, आज तो कोई भी अनपेड वाला स्लॉट अवेलेबल नहीं है, कल जाके ले लूंगा रमेश के साथ में। लंच वंच खा के जो मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ भाई के पास। भाई के साथ में हम लोग सोच रहे हैं अभी ओल्ड दिल्ली जाने का, एंड होपफुली आज का प्लान जो सक्सेसफुल रहे। तो अबे गाना बंद कर ना, क्या फालतू फालतू गाना चला देता है। ओ बन खत्म, टाटा बाय बाय। चलो अब निकल रहे हैं हम लोग। आज का प्लान जाकर सक्सेसफुल हुआ है इंशाल्लाह। बस के लिए रुकेंगे, सबर रखेंगे, ठीक है। नहीं आज बाल बाल सेट किया हुआ एकदम भाई, पूरा तैयार हो गया। लग रहा है कोई लड़की है वहाँ, ओल्ड दिल्ली में लग रहा है। फिक्स फिक्स करके रखा हुआ पहले से। चलो आज वाला ब्लॉग भी अपलोड हो गया, बस उसका थोड़ा थंबनेल वगैरह जो है वो मैं रास्ते में कर लूंगा सब। ऐसा ना भीड़ वाला रास्ता है कि मतलब चलने का भी निकलने का यहाँ पे रास्ता नहीं है। देखो फिर अटक गया बीच में यार, गजब मार गए। पटना उस बस स्टैंड के यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, तो भूख लगी थी, थोड़ा गोलगप्पा खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकले। तू लेना सिर्फ, मेरे लिए मत लेना। यही से है ना मीना बाजार, यही तो अबे मीना बाजार यही से है, यहीं से सीधा जाने से मिल रहा है मीना बाजार। आज वो ट्राई करेंगे, मैंने खाया पहले भी फालूदा आइसक्रीम होता है लोगों को। अरे भाई लेकिन खासी है यार, इधर है ना जाओ मुझे। हाँ सीधा ही सही से भाई, धान इतने चलने का भी रास्ता नहीं, इतना दुकान खुला हुआ है, पूरा भरा हुआ है, देख रहे पूरा रास्ता जो दुकान से भर दिया है यहाँ पे। पड़ा मोजा जूता
खाने का, घर का सामान, सब चीज भरा हुआ है एकदम। बीच में अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगी है तो हम लोग आए यहाँ पे गुलाब जामुन खाने, गरम गरम यहाँ पे मिल रहा है। भूख नहीं है भाई, रियल में मुझे भूख लगा हुआ है। तेरा तू खाइए, ये एक्चुअली लंच कर लेता 12-1 बजे, सीधा ब्रंच करता है, इसके वजह से इसको जल्दी भूख लग जाती है। मैं तो 4 बजे मैंने खाने का है इसलिए मैंने ये खाया। ये अपना आ गया जामा मस्जिद, ये माहौल में आके अलग ही मजा आता है। लेकिन यहाँ पे मास्क ऊपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इंशाल्लाह व्लॉग अच्छा अच्छा बनेगा। यहाँ पे थंबनेल हम लोग ले रहे थे, 2-3 टेक लेना पड़ा, एक ये पीछे रहता है, मैं हाथ ऊपर कर लेता बार बार, इसे सही कर जा रहा था। यहाँ पे आप लोगों को हर चीज की वैरायटी इतनी ज्यादा मिलेगी कि कंफ्यूज हो जाओगे क्या लेना क्या नहीं। पहले मैं अजान और अजान के बाद मैं ज्वाइन करता हूँ। इसको जो लगी है जोरों की भूख एक्चुअली, तो इसको भी कुछ खाना, लेकिन मेरा तो पेट भरा हुआ है तो मैंने बोला इसको कुछ खा ले, हल्का फुल्का खा लेता अभी, तो बाद में फिर डिनर विनर में देखा जाता। देख ले कुछ भाई, पकौड़ा वगैरह ऐसा कुछ खा ले। अरे लाइट वाइट सब बंद किया हुआ है, और ऊपर से स्मोक की वजह से जामा मस्जिद तो दिख ही नहीं रहा है। जामा मस्जिद से तो दिखाऊंगा, लाइटिंग वाइटिंग होगा मेरे को लगा अंधेरा में, लेकिन खा ही नहीं कुछ। यहाँ पे चिकन वो आइसक्रीम फालूदा खाने का मन था, लेकिन आई एम नॉट श्योर खाएंगे कि नहीं। वैसे जामा मस्जिद का मैंने पहले ब्लॉग बनाया, वो अगर नहीं देखा तो आई बटन में लिंक के देख सकते हैं। हाजी टी बॉय में चाय पिएगा क्या? यहीं पर बाय द वे करीम है, यहीं पर आगे में यहाँ, वहाँ पर मैं जा चुका हूँ, लेकिन अभी जाने का मूड नहीं बिल्कुल भी, पेट वेट भरा हुआ, खाएंगे क्या खाएंगे। वो देखो अंदर में करीम, फिर कभी इंशाल्लाह जब पेट खाली करके आएंगे तब करीम में जाएंगे। शाही टुकड़ा, ये शाही टुकड़ा में मैंने खाया था पहले, कभी खाया है? इस वाले दुकान में शाही टुकड़ा तो ऐसे खाया है, सभी लोग खाता है यहाँ पे जो भी दिल्ली आता है, लेकिन उस वाले दुकान में खाए थे वो भी तबरेज़ के साथ में। तबरेज़ यहाँ पे है नहीं तो उसको कॉल करके मैं बुलाता। रमीज वमीज लोग भी होते तो बहुत ही मज़ा आता, लेकिन रमीज को कहीं जाना पड़ गया, वो अपने जीजू के साथ कहीं पे गया है, और सहवाज जो है वो फाइनल मैच देख रहा है आज वर्ल्ड कप का। यहाँ पर पूरा डाउन हिल टाइप में है, थोड़ा नीचे जा रहा है एकदम। पीछे में ओवरकोट देख रहे थे, बस 200 रुपये में करके मिल रहा था एक ओवरकोट, क्रीम कलर का जो सेम मेरे पास है तो वो वैसा था। अगर क्रीम कलर का नहीं लाइक मैं नहीं लिया होता तो मैं ज़रूर ले लेता आज, बस 200 का तो था ही। ये है अपने यहाँ का ओल्ड दिल्ली का शरबत मोहब्बत, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। यहाँ का मैंने पिया, अपने वहाँ का भी ट्राई किया था तो वहाँ का भी मस्त लगा था, लेकिन यहाँ का भी नहीं पीऊँगा क्योंकि टेस्ट किया हुआ है उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं। भर गया ना पेट, अब सुबह खाया बिरयानी तो अब जाके इसका पेट भरा और एनर्जी आया, अब जाके थोड़ा घूमते। नहीं नहीं हाजी टी पॉइंट में चाय पिएंगे, जा रहे अभी थोड़ा जामा मस्जिद के गेट में थोड़ा बैठेंगे। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक किया था लास्ट टाइम, और ब्लॉग भी यहाँ पे शूट किया था, लेकिन इस टाइम पॉसिबल नहीं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 2 साल के बाद आया, लास्ट कोरोना से ठीक पहले, लाइक कोविड का जो आउटब्रेक था उससे ठीक पहले यहाँ पे आया था, लाइक 4-5 दिन पहले ही आया था, और 4-5 दिन के बाद सीधा मैं घर के लिए निकल गया था, तो किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम का जो ब्लॉग बन गया था। एक्सीडेंटली मेरे से वो क्लिप जितने भी थे ना वो डिलीट होने वाले थे, उस टाइम मैं बहुत आलस करता था, जल्दी ब्लॉग एडिट नहीं करता था, लेकिन आजकल तो डेली करता हूँ, तो आज वाला ब्लॉग भी कल आ जाएगा लाइव, और आपके हिसाब से आज तक आ चुका है। भाई का जो अभी पैर दुख रहा है वो सुबह रनिंग वनिंग करता है ना, इसकी वजह से थोड़ा जल्दी निकलेंगे हम लोग। वापस जा रहे हैं मीना बाज़ार, यहाँ पर कुछ ग्लासेस ट्राई कर रहा था, ये वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा, और भाई को ये वाला बढ़िया लगा, लेकिन सूट कर रहा है, मजाक नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है ये वाला, चलो ले ले। पहली बार लगाते अच्छा लग रहा हूँ। अरे भैया कह रहा हूँ ना, लगा जब शुरू कर रहे हैं तब सब बढ़िया लगता है। एक्चुअली मैं वो पतले से लाइक पतला वाला जो स्टार्ट है रेक्टेंगल फ्रेम में ना, मैं डार्क शेड्स खोज रहा हूँ लाइक फुल ब्लैक में, लेकिन वो वाला जो मिल ही नहीं रहा है वो वाला बहुत कूल लगता है। आज का दिन यही ख़त्म करते हुए हम लोग सोच रहे हैं हम निकल जाते हैं, ज़्यादा है यार उसके फ़ायदा नहीं, वैसे मार्केट अभी खाली होने लगा है, और एंड द शॉप्स आर अबाउट टू क्लोज ना, उस तरफ जाते हैं बस लेते हैं और निकलते हैं अपने घर के लिए।
मजा आ गया आज, माइंड फ्रेश फील हो रहा है फाइनली ओल्ड दिल्ली जाके। रमित वगैरह होते तो और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई ना, नेक्स्ट टाइम चल जाएंगे। अब जो थोड़ी थकावट फील होने लगे, थोड़ा देर मैं डिनर करूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। और आज काफी ज्यादा क्लिप शूट हो गए क्योंकि मैंने काफी ज्यादा सिनेमैटिक शूट किया है रील्स के लिए भी। रील्स में मैं सोच रहा हूँ कुछ मिनी ब्लॉग्स डालूंगा, निजामुद्दीन का भी, यहाँ का भी, और निजामुद्दीन का तो नहीं, यहाँ का, मूलचंद पराठे का, और कहाँ गया था, और ऐसे कई सारे जगहों में जाऊँगा, वहाँ का मैं ऐसे शॉर्ट सोच रहा हूँ कि मिनी ब्लॉग्स डालूंगा ऐसे 15-20 सेकंड या फिर एक मिनट का फॉर माई रील्स इंस्टाग्राम भी, ताकि थोड़ा ग्रो हो पाए। एंड बाय द वे, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो स्क्रीन पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो प्लीज़ वहाँ भी जाके फॉलो करें। एनीवेज, आई शुड एंड दिस ब्लॉग हियर। आई होप सो यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अडियोस अमिगोस, गुड बाय एंड टेक केयर। क्योंकि मैंने सिनेमैटिक शूट किया था पोर्ट्रेट मोड में, पोर्ट्रेट में।